हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड 10 के अंदर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ओके, तो फ्रेंड्स रियल नंबर चैप्टर के अंदर आज हम देखेंगे जो आपने 9th के अंदर 5th चैप्टर पढ़ा था यूक्लिड। ओके, तो यहाँ आएगा फ्रेंड्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर अगर हम देखें, ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें क्या दी हुई है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर से एन ए एंड बी देयर एग्जिस्ट टू यूनिक वॉल नंबर से क्यू एंड आर सच दैट, तो जो हमारा लेमा बनेगा वो क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, वेयर आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो इज इक्वल एन ग्रेटर देन आर एंड लेस देन टू बी। ओके, आर की वैल्यू यहाँ तक हम देख सकते हैं, क्लियर। ओके, अब यहाँ पर ए बी सी ये है क्या चीज़, तो यहाँ पर देखिए ए इज डिविडेंड, ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू आ जाएगा बेटा कॉशेंट, देन आर इज रिमाइंडर, आर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, क्लियर। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ हम यूक्लिड की हेल्प से हम एच सी एफ फाइंड करते हैं। एच सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो मुझे हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 7 और 2 का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7 का डिवाइड करूँगा 2 से। ओके, तो 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो ए क्या है, ये डिविडेंड। ओके, 2 क्या है, डिवाइजर। ओके, देन कॉशेंट एंड 1 इज रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पर हम इस लेवल में किस तरह से लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल्स टू 2 × 3 + 1 + 1। व्हाट इज दिस, दिस इज डिवीजन लेमा। ओके, अब हम 2 को लेंगे, इज इक्वल्स टू 1 × 2 + 0, 0 से ऊपर जो होगा वो होगा हमारा एच सी एफ इज इक्वल्स टू 7 × 2 = 1। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एच सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वन फाइंड द एच सी एफ ऑफ 960 एंड 432 ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ करेंगे 960 इज इक्वल्स टू 432, इट इज़ डिविडेंड, इट इज़ डिवाइजर। ओके, अब हमें कॉन्स्टेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले 960 को डिवाइड करेंगे 432 से। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 432 लिखा हुआ है, 4 × 2 = 864। ओके, माइनस करने पे कितना आएगा फ्रेंड्स, 96, तो यहाँ आ जाएगा 432 × 2 + 96। ओके, तो फिर से हम यहाँ इसको एज अ डिविडेंड 96 एड अ डिवाइजर, तो 432 को हम क्या करेंगे,
96 से डिवाइड करेंगे। चलिए करिए, 9 4 36, 9 5 45, तो 4 टाइम ये हो सकता है, 6 4 24, कैरी 2, 9 4 36, देन 38, 12 में से 4 माइनस कीजिए 8, 12 में से 8 गया 4, 0, सो 96 इज मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन रिमाइंडर 48। फिर से कीजिए, यानी ये कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक हमें 1 या 0 नहीं आता है। तो 96 इज डिवाइडेड बाय 48, 48 टू जा कितना होता है फ्रेंड्स 96, देन रिमाइंडर 0, सो एच सी एफ 960 एंड 432 इज 48। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है आंसर दिया हुआ है। फ्रेंड्स अब हम इसी मेथड के कुछ और सम्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 870 एंड 225। ओके तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 870 एंड 225। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो एज ए डिविडेंड हमने लिया 870, एज ए डिवाइजर हमने लिया 225। अब हम सबसे पहले क्या करना है, हमको 870 इज डिवाइडेड बाय 225 थ्री टाइम हम इसको डिवीजन कर सकते हैं। तो डिवीजन करेंगे तो 675 हुआ। अब 10 में से 5 माइनस कीजिए कितना आएगा 5। ओके 10 में से 5, 6 में से करेंगे 9 7 195। ओके 195, सो इनटू 3 प्लस 195। ओके तो फ्रेंड्स अब यहां पर आ जाएगा एज अ डिविडेंड 225 इज इक्वल्स टू 195 इंटू 1 प्लस कितना हुआ फ्रेंड्स 30। रिमाइंडर कितना बचेगा 225 में से 195 माइनस कीजिए कितना आएगा 30। देन 195 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 6। ओके 30 इंटू 6 कितना 180, रिमाइंडर 15। 30 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2, 30 प्लस 0, सो एच सी एफ इज 15। Thank you.
सिक्स, 15 में से 9 माइनस कीजिए, 6, 10 में से 6 जाएगा 4, 466, ओके। तो 847 इंटू 2 प्लस 466, तो 847 इज इक्वल टू 466, टाइम तो इसे जा ही नहीं सकता, इसलिए 1.7 में से 6 माइनस कीजिए, 1, 14 में से 6 माइनस कीजिए 8, 7 में से 4 तो 18, ओके। तो 466 इज डिवाइडेड बाय 381, 1 टाइम जाएगा 1 प्लस 6 में से 1, 5, ओके। 16 में से 8 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 8, ओके। 381 इज इक्वल टू 85, तो फ्रेंड देखिए 381 में अगर हम 85 का करते हैं, 85 टू जा 170, 85 फोर जा 340, ओके। तो रिमाइंडर इसका रहेगा 141 प्लस 41, 85 इज इक्वल टू 41 टू जा 82, रिमाइंडर 3, 41 इज इक्वल टू 3, ओके। तो 41 को हम डिवाइड करते हैं 3 वन जा 3, 1, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 3 इंटू 13 प्लस 2, यहाँ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, देन 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो इसका एचसीएफ कितना होगा फ्रेंड्स, इसका एचसीएफ होगा, सो एचसीएफ एट फोर सेवन एंड 2160 इज 1। तो फ्रेंड्स हम और एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है वो देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 252 एंड 324 बाय यूजिंग Euclid's division lemma, ओके, Euclid's division lemma। अब साइंस हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है 180, 250, 324, ओके। अब इसे हम असेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, 324, 252, then 180, ओके, 180। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को सबसे पहले लेना है, 324 इज डिवाइडेड बाय 252, अगर इसे डिवाइड करके देखते हैं तो 324 इज डिवाइडेड बाय 252, और में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7, कितना आया फ्रेंड्स 72, प्लस 72, तो यहाँ जाएगा 252 इज इक्वल टू 72
इंटू थ्री प्लस 36, ओके सो 72 इज इक्वल टू 36 इंटू टू प्लस जीरो, ओके तो यहाँ पर जो हमारा एच सी एफ आता है वो 36 आ रहा है, सो एच सी एफ ओके अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 180 का लेना है और 180 के अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स करते हैं तो 36 से करेंगे 186 FCF of 180 and 36, 180 is equal to 36.5. Okay, so यहाँ पे 180 and 36 का जो HCF होगा 36 होगा, so FCF 180, 252 and 324 is 36. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कैसे हुआ, सबसे पहले हमने सबसे बड़ी जो डिजिट थी 324 और 252 का हमने एचसीएफ फाइंड किया 36 आया, और 180 और 36 जो आंसर होता है हमारा उसका एचसीएफ हमने फाइंड किया तो उसमें भी 36 का आंसर कितना होता है 180, जो भी 36 कॉमन मिल रहा है इनमें भी 36 कॉमन है, इन तीनों का अगर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स 36 आएगा। तो फ्रेंड्स हमने जो यूजुअल के सम देखे आपके एक्सरसाइज 1.1 के अंदर देखे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ऐसे ही टोटल 4 सम्स दे रहे होंगे तो आपको इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू आपको करना है, ओके अब हम देखेंगे उसका सेकंड सम। So that any positive or integers of the form +1 और 6q+3 और 6q+5 where q is some integer तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो क्या रहेगी 0 से ज्यादा रहेगी, r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक हमें क्या करनी है पुट करनी है, ओके यहाँ पर हम r की वैल्यू 0 1 2 3 4 10 5 हम पुट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए
b के लिए यहां पे 6 है तो यहां पर हम a = 6 cube plus r ओके okay? अब यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे 0 से लेके 5 तक की वैल्यू हमें पुट करनी है if r = 0 सो इक्वेशन क्या हो जाएगा a = 6 cube plus 0 means a = 6 cube a की वैल्यू 6 cube है बराबर। अब देखो a is 6 cube is 2 so it is an even number, it is an even number, ये कैसा है even number है ओके ये पढ़ लिया हमने। second if r is equal to 1 so equation कौन सा हो जाएगा a is equal to 6 cube plus 1 ओके नॉट डिवाइडेड बाय इट विल बी विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 सो इट इज ऑड इज ऑड ओके आपको मालूम है जो 2 से डिवाइड हो जाता है इफ r इज इक्वल टू 2 ओके सो इक्वेशन a = 6 cube plus 2 ओके इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 सो इट इज एन इवन नंबर इट इज एन इवन नंबर ओके फ्रेंड्स देन if r is equal to 3 so equation will be a is equal to 6 cube plus 3 okay and it is not divided by 2 clear so it will not be divided by 2 so it is an odd then if r is equal to 4 so equation will be 6 cube plus 4 and it is simply it is so that it is divided by 2 so it will be divided by it is even number then if r is equal to 5 so equation a is equal to 6 cube plus 5 not divided by 2 so it is odd is और ओके तो फ्रेंड्स देखिए यहां पे क्या लिखा है सॉल्व एट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं ओके तो देखिए यहां पर हम ऑड इंटीजर्स को देखते हैं ऑड इंटीजर्स हमारे किस फॉर्म में आ रहे हैं 6 क्यूब प्लस 1 देन 6 क्यूब प्लस 1 इसके बाद में देखिए ऑड इंटीजर्स इट इज एन ऑड नंबर तो ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 3 देन 6 क्यूब प्लस 5 तो जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो हमारे किस फॉर्म में आ रहे हैं 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, then 6 cube plus 5. ओके, तो ये हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एंड आर्मी कंटेंट of 616 member
to mark behind an argument of 32 members in a the two groups are to march in the same members, member of all. What is the maximum number of columns in case they can mark? of the form
और 3n+1 और सम इंटीजर n, ओके। तो देखिए सर, यहाँ पर हमें दिया गया है ये इंटीग्रेट फॉर्मूला यूज करके हमें करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को यदि हम स्क्वायर करते हैं तो किस फॉर्म में आएंगे, 3n एंड 3n+1 के फॉर्म में हमें कंसीडर करना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम है डिवीजन लेना का फॉर्मूला आता है a=b³+r, ओके, और इस फॉर्म के अंदर ही होता है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हम 3n लिखा हुआ है तो अभी इसकी हम लेट बी टेकिंग a=y एंड d=3, हमने ये d=3 क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हो गया y=3q + r एंड हियर, ओके। सो r को लेते हैं कि 0, 1, 2, 0, 1, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमें स्क्वायर लेना था तो यहाँ पर हम ले रहे हैं y², ओके। सबसे पहले r=0 पुट करते हैं इसमें, ओके। तो यहाँ आ जाएगा y=3q, आकार तो आ ही रहेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3q² मीन्स 9q², हम इस तरह से लिख सकते हैं 3q², ओके। तो यहाँ पर सपोज 3q² = n, 3q² = n, सो 3n इसको n का सीधा कर दिया हमने, क्लियर। अब देखिए अब हमें क्या लिखा हुआ है, आर की जगह पे 1 लिया हमने, तो y² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे कितना होगा, 9q² + 6q + 1, ओके। फिर देखिए यहाँ पर 3 लीजिए, अंदर आ जाएगा 3q² प्लस 2q + 1, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लेंगे 3n² तो 3n+1 n=1 क्या लिया, 3q² + 3q फॉर्म में हमने ले लिया। देन r की वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा y=3q + 2, 3q + 2 इनका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा स्क्वायर होगा, अब ये स्क्वायर हो जाएगा 9q², 3×2=12q + 4, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 3q² + 4q + 4, ओके। तो यहाँ पर हम सब में से 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर हम 3+1 पुट करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड, 1+1 देन 3n+1, ओके। एंड वी आर टेकिंग द वैल्यू n=3q² + 4q + 1, ओके। सो अब पीछे हमें क्या लिखना है, सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n एंड 3n+1 रूट। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा तो यू सॉ दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर form 9n or 9n plus 1 or 9n plus 8 okay Withdraw
હવે 3 નો ગુણાકાર કરો તો 3q + 6q² + 4q. तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, अगर हम उनका क्यूब करते हैं तो किस फॉर्म में मिल सकते हैं हमको 9m + 1 है 9m + 8। देखिए यहाँ पे 9m हमें यहाँ पे मिला, then 9m + 1 and then 9m + 8 के अंदर हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका यूक्लिड लेमा की जो थ्योरम की उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।